कुल्लू जिला में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। दशहरे के दौरान निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंदिर के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने की। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को देवी हिडिम्बा के आगमन के बाद 1:30 बजे भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा सुल्तानपुर स्थित मंदिर से शुरू होगी। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान कई स्थानीय देवी देवता भी शामिल होंगे। यहाँ से 1 बजे निकलेंगे, 1 नहीं 1.5 बजे। अब सर्दियाँ भी आ रही है, 1.5-2 बजे निकले तो पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 3-3 बज जाते हैं, आप देखते हैं। तो इसलिए अगर व्यवस्था ठीक हो तो हम जल्दी आएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो मनाली के देवता के व्यक्ति हैं, उन्होंने देवड़ों ने बोला है, और जो रथ पीड़ने वाले उन्होंने भी बोला है, और हमने भी उनको सहयोग देना है। और अखाड़े वाले लोगों से विशेष कर महिलाओं से निवेदन है कि दर्शन वहाँ जाके ना करें, अपने घर घर के पास निकलें, धूप बत्ती चलाएं तो अच्छा रहेगा। भगवान रघुनाथ मंदिर के कारदार दानवेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान मंदिर में हर शाम भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, साथ ही दूर दराज से आने वाले देवी देवताओं के लिए मंदिर 12 अक्टूबर से ही खुला रहेगा। संध्या मतलब भजन हमने सबको दिए हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर वालों को दिया, फिर एक कुछ सालों से डोबी की भी एक पार्टी आ रही है जो भजन करती है। इसी प्रकार जो भी भजन करना चाहते हैं हम उनको समय समय पर बुलाते हैं और वो भजन करते हैं। और इसी प्रकार से देवी देवताओं को मैं अपनी तरफ से, रघुनाथ जी की तरफ से, मुख्य छड़ीबरदार की तरफ से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप सब अगर 12 को ढालपुर पहुँचते हैं तो 12 को भी मंदिर खुला है, आप 12 शाम से मंदिर आ सकते हैं, ये नहीं कि 13, क्योंकि उसमें भीड़ ना रहे। तो 12 को जो ढालपुर पहुँच जाएंगे वो भी भगवान के पास आ सकते हैं।